न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राचिता। ये देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट पड़े, मतदान से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पेरेल। ICU से बाहर आते ही गोविंदा सुनीता आहूजा का बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण में मंगलवार को 59.56% मतदान हुए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि शेष मतदान दलों के वापस लौटने पर आंकड़ों का अज्ञात किया जाता रहेगा और आंकड़े ऐप कर जिलेवार उपलब्ध रहेंगे। और विधानसभा क्षेत्र वाले उधमपुर जिले में सबसे अधिक 75.0% मतदान हुए। इसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र वाले साभा में मतदाता हुआ और कठुआ में 76.74% मतदान हुए। 11 विधानसभा क्षेत्र वाले जम्मू कश्मीर में 71.40%, 3 क्षेत्र वाले बांदीपुर में 59.61% और विधानसभा क्षेत्र वाले कुपवाड़ा में 67.39% और 7 विधानसभा क्षेत्र वाले बरमुला में से कम 91% मतदान किए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मतदान से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पेरोल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख एवं बलात्कार के मामले में दोषी गुरवातार राम रहीम सिंह को 20 दिन की पेरोल मिलने के बाद बुधवार को हरियाणा की रोहितगढ़ जेल से बाहर आ गया। अपनी स्थानीय रिहाई अवधि के दौरान सिहा का प्रवास उत्तर प्रदेश के बगावत के दरमियान बनाया गया। हरियाणा सरकार के सिंह को 20 दिन पेरोल की अनुमति दी गई, जबकि इस अवैध के दौरान इसके चुनाव संबंधित गतिविधियों से गुरमीत राम रहीम हिस्सा लेने के लिए आए थे। भाजपा देने और राज्य में रहने वाले पर रोक लगाई गई। सन 2017 में अपनी 2 शिशियों से बलात्कार के जुर्म में 20 साल जेल की सजा काट रहा था। डेर समूह के चलते हुए 3 अधिक्त 16 साल के भी अधिक समय पहले पत्रकार की हत्या के मामले में 2019 में दोषी करार ठहरा था। इसे चलते हुए 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल देने का अनुरोध किया गया। पैरोल के क्षेत्रों के अनुसार डेरा प्रमुख किसी भी चुनाव संबंधित गतिविधियों से हिस्सा नहीं लेना चाहता था। बढ़ते अगली खबर की ओर। ICU से बाहर आए गोविंदा। अपने रिजॉल्वेंस से दुर्घटना गोलीग्रस्त लगने से घायल हुए अभिनेत्री गोविंदा के परिवार के बुधवार को कहा है कि गोविंदा की हालत ठीक है और उन्हें सामान्य वार्ड में अंतराष्ट्रित कर दिया गया है। गोविंदा की उम्र 60 की बताई जा रही है। मंगलवार को सर्जरी हुई थी, उसका एक निजी अस्पताल के ICU में इलाज चल रहा था। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने संवाददाताओं से साधते हुए अपने पिता की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी साझा करते हुए कहा है कि परिवार की उम्मीद है कि उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पापा की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद दिखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच।